देखिए, अगर आपको स्टेटमेंट बनानी है ना एक, तो यू हैव टू चूज दैट वन एक्सेसरी जो शो स्टॉपर होती है. और मुझे लगता है कि सब्यसाची इंस्पायर्ड ये जो शेड्स है ये शो स्टॉपर होंगे आपके लुक का. बहरहाल, एक शो स्टॉपर तो हमारे पास भी है. जी हाँ, जो भाग्यलक्ष्मी की शालू है ना, किस तरह अक्षय तृतीया पे उन्होंने एक नई गाड़ी खरीदी है. जी हाँ, कुछ नया आप एक्वायर करते हैं और ऐसी मान्यता है कि फिर उसमें कभी भी ना कोई खामी नहीं होती. तो चलिए उनके साथ इस शुभ कार्य में शामिल होते हैं. ड्राइव फैन है मेरे साथ, ड्राइव फैन है मेरे साथ. पापा पहले सबसे पहले चलाई उस गाड़ी को और फिर मैं चलाऊ ताकि उनके हाथ से इनॉग्रेशन हो. कुदरती एंड यू वॉच मी एज शालू फ्रॉम भाग्य लक्ष्मी. सो आज अक्षय तृतीया का दिन है और आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है इफ़ यू बाई एनी थिंग. तो उसी ओकेजन में मैंने गाड़ी खरीदी है. बेस्ट थिंग वॉज जब मैंने पापा मॉम को बताई कि मुझे गाड़ी खरीदनी है और उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया. एंड इसकी बहुत अच्छी एक मेमोरी है मेरे पास कि डिलीवरी तो गाड़ी मेरे पास आई थी, बट जब हमने सिलेक्ट किया था ये गाड़ी तब हम शोरूम में थे और तब संडे का दिन था और यहाँ एक यूनिट ऑफ थी. तो मैं, मम्मी थे, पापा थे, भाई थे, तो पूरी फैमिली थी. सो आई थिंक दैट इज़ वन कोर मेमोरी आई हैव ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द कार, कि जब मैंने गाड़ी ली थी तो पेरेंट्स थे मेरे आसपास और हमने इनॉग्रेशन किया गाड़ी का, फूल माला चढ़ाई और वो सब. सो दैट वॉज अ वेरी गुड डे एंड अ वेरी गुड ऑस्पिशियस मोमेंट. एंड अभी आप देखोगे कि ये कार है एंड आई जस्ट शो यू द इनसाइड ऑफ द कार. आ जाओ, ड्राइव फैन है मेरे साथ, ड्राइव फैन है मेरे साथ. और मेरे साथ सिर्फ मैं नहीं हूँ, पारो भी है. हाय हाय. तो चलो जाते हैं ड्राइव पे. बहुत ही अच्छा रिएक्शन था, दे वो वेरी वेरी हैप्पी. एंड मेरे मॉम ने तो मुझे इतना बोला कि मुझे, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. और जस्ट जस्ट वो जो प्राउड फीलिंग होती है ना, पेरेंट्स प्राउड हो, दैट्स ऑल आई वांट. एंड नॉट ओनली पेरेंट्स बट आई हैव एन ओल्डर ब्रदर, मेरा एक बड़ा भाई है तो उसे भी मैं बहुत मानती हूँ. तो भाई भी जब इतने खुश थे ना, और सबसे पहले ना मैंने भाई को बोला कि इनॉग्रेशन हो गया, अब भाई तू चला गाड़ी. क्योंकि मुझे ऐसा था कि मेरे ना पापा पहले सबसे पहले चलाई उस गाड़ी को और फिर मैं चलाऊँ ताकि उनके हाथ से इनॉग्रेशन हो. लेकिन पापा ने बोला कि मैंने कभी ऑटोमेटिक नहीं चलाई, पहले तू चला. तो मैंने बोला कि भाई आप पहले चला लो. तो भाई ने पहले चलाई ये गाड़ी एंड हाँ, बस बहुत प्राउड फीलिंग था. एंड नॉट ओनली माई पेरेंट्स एंड नॉट ओनली माई ब्रदर बट पूरे घर वाले बहुत खुश थे. जो एक्सटेंडेड फैमिली होते हैं ना, वो सब अभी आए हुए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने भी देखी गाड़ी और वो भी बहुत खुश थे. तो ऑटोमेटिक है और इसका ना एक रिवर्स कैमरा भी है. तो जब मैं रिवर्स लेती हूँ ना, तो हमारा क्या आदत होता है कि हम पीछे देख के रिवर्स लेते हैं, तो वो आदत भी अब छूट गई है क्योंकि कैमरा है. एंड जनरली ऑल्सो ऑटोमोबाइल सब इतने अच्छे हो गए ना, इतने स्मूथ और इतने कंफर्टेबल हो गए कि गाड़ी चलाना अब इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा. ट्रैफिक का तो बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो और मुंबई तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है. तो दिस कार इज़ गुड फॉर दैट ऑल्सो. पहले ना ट्रैफिक में गुस्सा आता था, ऐसा लगता था कि चलो ना जल्दी काम पे पहुँचना है, बट अब ऐसा लगता है कोई बात नहीं, क्योंकि अगर कंफर्टेबल गाड़ी हो, एसी सब कुछ चल रहा हो, तो ऐसा लगता है चलो कोई बात नहीं और टाइम लगा लो. तो अभी ट्रैफिक में ना गुस्सा नहीं आता. हैप्पी, वेरी हैप्पी अक्षय तृतीया टू ऑल ऑफ यू ऑल. आप कुछ लो तो आई होप आपको बहुत बहुत ज़्यादा फले. वैसे भी ये दिन बहुत शुभ होता है कोई भी चीज़ खरीदने के लिए. तो एंड यही मैं बोलना चाहती हूँ, आई थिंक मोर देन मटीरियल थिंग्स, आप मटीरियल चीज़ें खरीदते तो हो, लेकिन आप किसके साथ खरीदते हो, क्या वाइब्स है, मतलब अगर आप फैमिली के साथ बैठ के आपने कुछ डिसाइड किया कि मुझे ये ख़रीदना है और उनकी हामी के साथ खरीदा है ना, तो बहुत अच्छे वाइब्रेशन आते हैं. तो Thank you.
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।